वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आप अभी तक कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के टॉपिक को समझ रहे थे और हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस को किए भी। आज की क्लासेस में और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और आज इस टॉपिक को हम पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है, द डेविएशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज आर गिवन बिलो। क्या मतलब है इसका? आपके पास में एक एक्स कॉलम है और एक वाई कॉलम है और कह रहा है कि डेविएशन फ्रॉम मीन, तो क्या मतलब समझ रहे हैं आप इसका? ये बताएंगे, पहले इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास में हाँ जी तो ये देखो जरा, ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास में द डेविएशन। डेविएशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई डाटा हमारे पास में 20 है और इसका मीन निकला 5, तो अगर आप जो है डाटा में से उसका मीन माइनस कर दोगे तो उसको हम डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम डेविएशन बोलते हैं। दिस वन, ये बात समझ में आई आपको? तो डेविएशन का मतलब बेसिकली क्या हो गया, स्मॉल एक्स। क्या ये आपके पास में, इसको आप स्मॉल एक्स बोलेंगे और ये क्या हो गया, ये आपका स्मॉल वाई हो गया कि वाई डाटा में से वाई का मीन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो वाई डाटा है वो अपने मीन से कितने डिस्टेंस पर है, डेविएशन होता है। ये मैंने पीछे भी आपको बताया इसके बारे में और अभी भी आप देख लीजिए, स्मॉल वाई है और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर आप निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला आपके पास में आर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स में डिफरेंस होता है। कैपिटल एक्स मतलब होता है डेटा और स्मॉल एक्स का मतलब होता है कि उस डेटा में से उसका मीन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो बता रहा है आपका कि आपका डेटा मीन से कितने डिस्टेंस पर है, डेविएशन उसको स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से आप वाई सीरीज में देखेंगे तो उसको आप स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चे थोड़ा सा विसर्जन का टाइम है और थोड़ा रोड से वो भी हो रहा है, तो क्या आपको आवाज सही से मेरी सुनाई दे रही है? क्यों, थोड़ा डीजे भी चल रहे हैं आसपास, अगर आवाज सही सुनाई नहीं दे रही है तो वो बता दीजिए मुझे, नहीं तो क्लासेस आपको बहुत इरिटेट करेंगे। कोई बाहर की साउंड तो नहीं आ रही आपको? स्मॉल एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई रूट में कर देते तो स्टैंडर्ड डेविएशन जाता है। इसका फॉर्मूला मैंने एक अल्टरनेट फॉर्मूला भी लास्ट क्लास में बता दिया था कि सेम चीज सिंप्लीफाई करोगे तो आप सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, ये इसका अपना एक फॉर्मूला होता है। क्लियर है बच्चे? ऐसे स्क्वायर एंड रूट कैंसिल मत कर देना, ये है एक्स का स्क्वायर का सम, रिवर्स पढ़ते हैं इसको हम, इसका एक अपना जो है फॉर्मूला ये भी रहे। अब आइए, आपके पास में स्मॉल एक्स एंड वाई चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, एक एक्स के स्मॉल एक्स एंड वाई निकाल लीजिए, माइनस 12, 9, 8 माइनस, ये तो जीरो हो गया, 4, 1, 4 माइनस 6 एंड माइनस 4। अब समीशन ऑफ एक्स वाई करेंगे अगर आप तो क्या आएगा, समीशन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, तो पहले आप अपने पॉजिटिव वाले नंबर को देख लें, 9 और 8 17, 17 और 4 21 और 1 22, 22 और 4 26, तो ये पॉजिटिव का 26। अब माइनस वाले ऐड कर दो, 12 और 6 18, 18 4 22, तो रिजल्ट क्या आया आपका, 4। तो सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू 4। क्लियर है बच्चे? अब उसके बाद आपके पास में एक्स स्क्वायर की नीड है, तो एक्स स्क्वायर तो उसका क्या आ जाएगा, 16, 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 एंड 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एंड 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसका ऐड करेंगे आप सिग्मा एक्स स्क्वायर,
सिग्मा एक्स स्क्वायर। सर 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0 होगा, तो बिल्कुल 0 होगा। कौन कह रहा है 0 नहीं होगा? अच्छा जी देखिए 0 1 4 माइनस 6 माइनस 4 तो ऐड करेंगे अगर आप इसको, तो 9 8 17, 17 और 1 18, 18 और 4 22, ये तो पॉजिटिव का 22 आ गया। 9 8 17 17 और 1 18, 18 4 22, और ये आपके पास में 12 18 18 4 22, तो 0 आ गया। 0 आ गया मतलब कि सबका सब 0 हो जाएगा आपका। तो 0 रिजल्ट का होता है कि कोई कोरिलेशन कोई रिलेशन के बीच में नहीं है। ठीक है बच्चे, तो जो 0 आ गया आप कुछ निकाल के फायदा ही नहीं है ना, जब आपके पास में r इक्वल टू 0 अपॉन में समथिंग ऑलवेज 0 होता है ना, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। देयर आर नो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सीरीज। चलिए जरा अब इस क्वेश्चन को देखो, ये डेटा दे दिया है आपको, तो क्या आप निकाल सकते हो? सबसे पहले आपको कोई डेटा है आपके पास में, एक x सीरीज है दिस वन और ये y सीरीज है, तो आपके रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे? स्मॉल एक्स, फिर स्मॉल वाई, फिर एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, दिस वन। स्मॉल एक्स के लिए इतनी जगह बहुत है। स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, अब देखेंगे इसमें आपका निकालना आपको x, आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r इक्वल टू जो फॉर्मूला आपके पास में सिग्मा स्मॉल x क्या होता है पता है आपको? स्मॉल y क्या है? अंडर रूट x स्क्वायर इनटू अंडर रूट सिग्मा x स्क्वायर इनटू अंडर रूट सिग्मा y स्क्वायर। क्लियर है बच्चे, समझ रहे हैं? तो जरा आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, आपको समय दे रहा हूं मैं 2-4 मिनट का, जल्दी फटाफट करें। कई बार डायरेक्ट ऐसे आसान से सवाल आ जाते हैं। देखो बच्चे क्या करेंगे आप, स्मॉल एक्स कैसे निकालेंगे? स्मॉल एक्स के लिए आपको एक्स में से एक्स के मीन को माइनस करना पड़ेगा। अब एक्स का मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिग्मा एक्स करना पड़ेगा पहले, और सिग्मा एक्स क्या आएगा आपका? एक कैलकुलेटर लेते हैं, 66 प्लस 68 प्लस 69 प्लस 72 प्लस 65 प्लस 59 प्लस 62 प्लस 67 प्लस 61 प्लस 71 प्लस, तो 660 है ये आपके पास में, एंड x बार इक्वल्स टू 660 अपॉन में n, n के आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 66 हुआ। तो यहां पर आपको 66 सब में से माइनस करना है, और एक हम स्मॉल y के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें y में से हमें मीन माइनस करना पड़ेगा, किसका? y का। तो इसलिए सिग्मा y निकालने की नीड है हमें, सिग्मा y प्लस 60 प्लस 59 प्लस 68 प्लस 60
64, 640, एन आपको मीन निकालना है वाई का, तो 640 डिवाइडेड बाय एन, तो क्या है 64 आया, तो यहां पर आपके पास में 64 यूज करना है। आप देखिएगा 66 में से आपका 66 गया तो पहले आपके पास में क्या आया, जीरो आया, 68 में 66 गया आपके पास में दो आया, इसमें यहां पर आपका तीन बचा, -67 -66 करेंगे तो आपके पास में 4 और 6, -66 करेंगे तो माइनस का 1, -66 करेंगे तो -7, -66 करेंगे तो -4, -66 करेंगे तो 1, -66 करेंगे तो आपके पास में 5, -5, -66 करेंगे तो आपके पास में 5, ये आपके पास में स्मॉल एक्स आया। अब आपके पास में स्मॉल एक्स आया तो आप एक्स स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, तो आपके पास में 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर आपका 9, 6 का स्क्वायर 36, अब 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। अब स्मॉल वाई कैसे निकालेंगे, वाई आप कैसे 64 माइनस करना है, 64 माइनस करोगे 1, 64 माइनस करोगे 0, 64 माइनस करोगे 3, 64 माइनस करोगे 5, 64 माइनस करोगे 0, 64 माइनस करोगे माइनस का 5, 64 करोगे 4, -4 एंड 0 एंड 0। अब ये क्या है मेरे पास में स्मॉल वाई स्क्वायर, अब क्या आपके पास में वाई स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे इसको हम, हमारे पास में 1, 0, 9, 25, 0, 16, 25, 16, 16, 0, ठीक है बच्चे। अब हमें क्या करना है, x इंटू वाई करना है, कि मुझे x इंटू वाई की भी नीड है, तो x इंटू वाई करेंगे तो 0, 2, 0, 0, 3, 3, 9, 6, 5, 30, माइनस ये 0, 28 प्लस का 20 प्लस का 4, 20 प्लस का और 0, ठीक है बच्चे। अब हमें क्या करना है, इन सबका सम करना है, एक एक्स स्क्वायर का, सिग्मा एक्स स्क्वायर का सम करना है, तो सॉल्व करेंगे 0 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 1 प्लस 49 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 25 166, क्लियर है बच्चे, समझ गए। अब मैं करता हूं यहां पर वाई स्क्वायर का समीशन ऑफ वाई स्क्वायर, 1 प्लस 9, देखिएगा आप कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ है आपके, वो आप भी जानते हैं, तो फिर कुछ रह नहीं जाता है आपके स्टैट्स के अंदर, मेन स्टैट्स में बच्चे प्रॉब्लम कहाँ खाते हैं कि यार बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम अब आपकी नहीं है कॉलेज में, चेक कर लेते हैं, 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 108, ठीक है। अब इसका एक्स वाई का सम करते हैं, 9 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 20 प्लस एंड 0, तो ये क्या आया सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू 111। अब आर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई क्या है 111, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या हमारे पास में 166, अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर क्या है 108, एंड आर इक्वल्स टू 111 अपॉन रूट एक्स 166 का आप निकालेंगे रूट 12.88 इंटू 108 का रूट 10.39, आर इक्वल्स टू 11 अपॉन 12.88 मल्टीप्लाई बाय 10.39
133.8232, 11 डिवाइडेड बाय 133.8232, 0.08। जब आपके पास में क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू आ गई। एक सौ ग्यारह है, सॉरी। डिवाइडेड बाय 133.8232, हाँ तो 82 82, 0.82 ये आ गया आपका, ये फाइनल आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको इस तरीके के टेबल के अंदर भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको निकालना आ गया और आप फॉर्मूले को भी अच्छे तरीके से आप समझ चुके हो। अब वही आपके पास में एक्स और वाई है तो इजीली आप कर सकते हो। यहां पर एक चीज आपके वाई में मिसिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। यू अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज इज 8, तो वाई का आपके पास में दिया हुआ ना अर्थमेटिक मीन, किसका, वाई का, तो सिग्मा वाई अपॉन एन होगा ना आपका, तो सिग्मा वाई आपको पता नहीं है। मीन दिया हुआ है आपको वाई का कितना है 8, और सिग्मा वाई क्या है आपके पास में वो आप निकाल सकते हैं, और एन क्या है 1 2 3 4 5, तो सिग्मा वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 40, तो समीशन वाई इक्वल्स टू 40 है। तो बस सबका सम कर करके इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको ये मिसिंग वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद आप जो है उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? कोई डाउट तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, सिमिलर क्वेश्चन स्किप करते हैं। अब देखिएगा बच्चे, आपने मीन में सीखा होगा मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी के अंदर। हम अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, डेटा में से उस डेटा का मीन सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, जिससे पता लग रहा था कि डेटा अपने मीन से कितनी दूरी पर है, इसको हम स्मॉल एक्स कह रहे थे। इस बार डेटा में से मैं उसका मीन सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं, डेटा में से मैं कोई भी एक वैल्यू अज्यूम करके उस वैल्यू को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, जिसको हम अज्यूम्ड भी कहते हैं, ए भी कहते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है एक्स है, ठीक है, तो यहां पर कोई भी एक नंबर ले लीजिए। मान लीजिए आप डेटा में से एक नंबर आप माइनस कर रहे हैं, तो आप स्मॉल एक्स तो जब होता है बच्चे, स्मॉल एक्स तो जब होता है जब आप डेटा में से उसका मीन माइनस करते हो, लेकिन एक यू नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं जब डेटा में से कोई भी एक आप अज्यूम नंबर मान लीजिए ए माइनस कर रहे हो, कुछ भी अज्यूम कर लो, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यहां पर कुछ कॉलम बनाते हैं, उस पे यू निकालेंगे, फिर इसके बाद हम वी निकालेंगे, यू का स्क्वायर करेंगे, वी का स्क्वायर करेंगे, यू वी यू स्क्वायर वी स्क्वायर एंड यू वी। देखिएगा एक क्वेश्चन करवा देता हूं, लास्ट क्लास में क्वेश्चन रह गया था ना, वो इसलिए आज नहीं करवाया, इसके बाद वो समझ में आपको आएगा। बच्चे एक्स में से मैं एक यू निकाल रहा हूं, इसमें एक तरीका, आंसर देखिएगा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। आप इस जो एक नया मेथड है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही निकाल रहा हूं, एक ऑल्टरनेटिव वे से निकाल रहा हूं बस, और आपके रिजल्ट पे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। आपको जो आता है आप उससे तो निकाल ही सकते हैं, जो आपको सिखा रखा है मैंने, सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर, आप निकाल लीजिए, उससे आपका आंसर आ ही जाएगा। एक ऑल्टरनेट वे है, उसको भी समझना जरूरी है आपको। तो यू कैसे निकाल सकते हो, एक्स में से कोई भी एक नंबर अज्यूम कर लो ए, मैं 20 मान लेता हूँ, चलिए इसमें से देख करके, कोई भी इसमें नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, 20 मान लिया, और बी आप कुछ और नंबर मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो आप चाहे ए और बी आपका डिफरेंट मानना है तो आप डिफरेंट ही मान लो, ए और बी को आपको अगर सिमिलर अज्यूम करना है तो आप इसमें अपना जो है इसको सिमिलर भी अज्यूम कर सकते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इस टेबल के अंदर कोई नंबर है वो मान लो, टेबल के बाहर कोई नंबर आप वो मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यू 20 माइनस करूंगा तो 5, 20 माइनस करूंगा तो 20, 20 माइनस करूंगा तो 10, 20 माइनस करूंगा 5, 20 माइनस करूंगा -10, -15, जीरो सॉरी -10, -5, 10, जीरो। क्लियर है बच्चे? समझ गए? तो ये क्या हमारे पास में
ये हमारे पास पे यू है, क्लियर है? अब हमारे पास पे यू है, अब बात करता हूं मैं इसमें वी की। यू है तो आप यू स्क्वायर निकाल ही सकते हैं, दोनों निकाल लेते हैं वी। तो वी कैसे निकालोगे आप? वी वाई में से कोई एक नंबर माइनस कर दो बी। चलो बी, मैं यहां पे बी सी ले रहा हूं, तो माइनस 10, 5, 20, 20 माइनस करेंगे माइनस 5, 20 माइनस करेंगे 0, 20 माइनस करेंगे 20, 20 माइनस करेंगे 8, 20 माइनस करेंगे 2, 20 माइनस करेंगे माइनस 5, और 20 माइनस करेंगे माइनस 15। अब आप यहां पर यू स्क्वायर ले लीजिए, क्लियर है बच्चे? यू स्क्वायर आपके पास में क्या आएगा, जो यू है उसका स्क्वायर करेंगे 25, 20 का 400, 10 का 100, 5 का 25, 10 का 100, 15 का 225, 10 का 100, 5 का 25, 10 का 100 और 0। इसी तरीके से वी है तो वी का स्क्वायर कर देंगे आप, तो वी का स्क्वायर करेंगे आप 100, 5 का आपका 25, 20 का आपका 400, 5 का 25, 0 का 0 और 20 का फिर 400 और 8 का 64 और 2 का 4, 5 ठीक है, 5 का 25 और 15 का 225। आप ए और बी कुछ और नंबर मान सकते हैं, ए 10 मान लो, बी 28 मान लो, 40 मान लो, आपकी इच्छा है, आंसर पर कोई फर्क नहीं आता है। अब आप यू और वी निकाल लो, यू वी अगर आप निकालेंगे तो आपके पास में यू इंटू वी माइनस 50, 100, 200, 25, 0, माइनस 300, माइनस 80, माइनस 10, माइनस 50, हाँ जी, समेशन यू इक्वल्स टू, अब सब कॉलम का सम करिए आप, तो आपके क्यों, क्योंकि आपके पास है फॉर्मूला, क्या है देखिए जरा, एक ऑल्टरनेट वे में आपके पास है फॉर्मूला, ये बन रहा है आपके पास में सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी। आप बोलोगे सर दोनों एक ही तो, अलग अलग है बच्चे, ये उल्टा पढ़ते हैं हम इसको, वी और यू को मल्टीप्लाई करके फिर इसका सम करो, ये है यू का सम करो फिर वी का सम करो फिर उसको मल्टीप्लाई करो, अपॉन अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट, ये एन है, एन इंटू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ यू का होल स्क्वायर, और उसके बाद आपके पास में एन अंडर समीशन ऑफ वी का स्क्वायर एन माइनस समीशन ऑफ वी का होल स्क्वायर। देख रहे हैं फॉर्मूला जो पीछे पड़ा है आपने, दोनों रूट के अंदर है, एन यहां भी यूज होगा एन यहां भी होगा, वी स्क्वायर एंड वी का होल स्क्वायर में फर्क है, कैसे? वी का स्क्वायर करो फिर उस कॉलम का सम करो, और वी कॉलम का सम करो फिर उसका स्क्वायर करो, दोनों चीजें अलग अलग हैं, क्लियर है? तो क्या ये रूट है और ये इंटू है, क्लियर है बच्चे? तो चलिए बेसिकली सारे कॉलम का सम करना पड़ता है आपको, यू का सम करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा वो देख लेते हैं, कैलकुलेटर से फटाफट करते हैं, पहले प्लस वाले जोड़ लो, 5 प्लस 20, 5 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10 50, अब माइनस वाले जोड़ ही लेते ना, 10 20 25 25 और 30 और 30 और 10 40, 10 आया समीशन यू, समीशन वी
प्लस 20 प्लस 20 प्लस 10 55, और माइनस वाले 10 5 15, 10 5 15, 15 5 20, 30 और 35। ट्वेंटी यू का सम, यू स्क्वायर का 25 प्लस 400 प्लस 100 प्लस 25 प्लस 325, दोनों को ऐड कर लिए 325 प्लस 125 प्लस 100 1100। इसका सम करते हैं 525, 525, 425, 68, 250, 1268। ठीक है, सम करते हैं इसका। पहले प्लस वाले 300, कोई भी नहीं है फिर तो, उसके बाद सारी कहानी खत्म हो रखी है। माइनस में हो गया था यूवी, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ठीक है 300। बाकी 50 25 75, 375, 50 25 75, 375 और 90 और 50, 140, 515 माइनस 300, 215। ठीक है बच्चे, अब आर इक्वल्स टू एन, एन के आपके पास में ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन इक्वल्स टू आपका 10 है। समीशन ऑफ यू वी का प्रोडक्ट एंड उसका समीशन, दिस वन यू वी का प्रोडक्ट एंड उसका समीशन, समीशन ऑफ यू वी माइनस का 215, क्या है आपका माइनस 215। समीशन ऑफ यू 10, समीशन ऑफ वी 20 अपॉन अंडर रूट एन 10, और यू समीशन ऑफ यू स्क्वायर, यू स्क्वायर क्या है आपका 1100 माइनस समीशन ऑफ यू का होल स्क्वायर, समीशन ऑफ यू का होल स्क्वायर एन, वी स्क्वायर का समीशन, वी स्क्वायर का समीशन 1268, 10 × 1268 माइनस में समीशन वी का होल स्क्वायर, समीशन वी का होल स्क्वायर आर इक्वल्स टू माइनस 2150 माइनस 200 अपॉन में, सॉल्व करेंगे आप 11000 माइनस 100 10900 इंटू अंडर रूट, सॉल्व करेंगे तो आपके पास पे 12680, 12680 माइनस 400 12280, सॉल्व करेंगे आर इक्वल्स टू 2100 2300 50, नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है, बता रहा है कि नेगेटिव रिलेशन और कुछ नहीं है। 10900 का आप क्या करोगे, रूट करोगे, 10900 का रूट 104.40 और 1280 का रूट, 12280 का रूट 110.81। क्लियर है बच्चे, सॉल्व करेंगे 104.40 मल्टीप्लाई बाय 110.81
पचास अपॉन में 11 56 8.56, तो 2350 डिवाइडेड बाय 11 56 8.58 0.20 माइनस 0.20। क्लियर है बच्चे? तो माइनस का था नेगेटिव रिलेशन है, तो आप 0.203 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो ये मेथड आपको समझ में आ गया है? किसी बच्चे को कोई डाउट? तो अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया है तो बस इसके बाद आपके पास में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ एक्स एंड वाई, दिस वन, नंबर ऑफ पेयर ऑब्जर्वेशन इज 10, द टोटल डिवीजन ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस, टोटल डिवीजन ऑफ वाई इक्वल्स टू दिस, टोटल स्क्वायर ऑफ द डिवीजन ऑफ दिस, टोटल द स्क्वायर ऑफ द डिवीजन ऑफ वाई इक्वल्स टू दिस, फाइंड द टोटल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हेन द ऑर्बिटरी मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई आर 82 एंड 68 रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन आपने करना है, बीकॉम 2018 क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन करना है एक, और एक आपके पास में ये क्वेश्चन कर लेना है आपको, और एक ये क्वेश्चन करना है, नहीं तो नेक्स्ट क्लासेस में आके मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन को। क्लियर है बच्चे? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में तो आ गया होगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब रहता क्या है इसमें आपका? इसमें रहता तो भैया कुछ अब नहीं है। अब तो अब रिग्रेशन स्टार्ट हो गया। दो क्वेश्चन करने के बाद हम स्टार्ट कर देंगे रिग्रेशन। ठीक है? नहीं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रैंक क्वेश्चन करेंगे। रैंक ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो बड़ा छोटा टॉपिक है। रैंक वाले क्वेश्चन दो क्लास का टॉपिक है मैक्सिमम, तो हार्डली दो या एक क्लासेस का टॉपिक है। तो हम अगले तीन क्लासेस का रिग्रेशन में पहुंच जाएंगे, और कोशिश है कि हम 10 से 12 तारीख रख रहे हैं अक्टूबर का महीना, और इसमें हम इस यूनिट को वाइंड अप करेंगे। अगले 20 दिन में हम टाइम सीरीज के यूनिट पर पूरा टारगेट और पूरा उस पर टूट के पढ़ेंगे। क्लासेस को बढ़ाना पड़े, रेगुलर करना पड़े, करेंगे। पर मैं अपना टाइम रख लेता हूँ, मुझे इस पीरियड में इतना करवाना है। अब आराम से हो रहा है तो आराम से करूंगा, नहीं हो रहा तो क्लास एक्स्ट्रा लगा दूंगा, और मेरा अपना एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो हम अक्टूबर के एंड में हम बस 4 यूनिट को कवर कर लेंगे, तो नवंबर का महीना हमारे पास बचेगा, एक यूनिट बचेगा। पेपर दिसंबर में है, और 10 ईयर की प्रैक्टिस आप अपना शुरू कर सकते हो 10 ईयर में से। आपका सिलेबस अच्छे से पूरा होना चाहिए, आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए। अब क्लासेस 5 घंटे की हो 10 घंटे की हो, अब यही मैं सही से नहीं पढ़ाऊं और आपको 5 घंटे तक लेकर के बैठ जाऊं, एक क्वेश्चन रट्टा मरवाऊं, तो उसका कोई फायदा नहीं है बच्चे। आज सिलेबस में हर एक चीज कवर हो रही है आपकी, आप क्रॉस चेक कर सकते हो उस चीज को। 10 ईयर ला करके अगर प्रैक्टिस करके देखिए, आपको सब पता लगेगा, सब करवाया हुआ है। कुछ भी नहीं छोड़ रहा मैं अपनी तरफ से कि भैया इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करवा देता हूँ, एक एक टॉपिक करवा रहा हूँ मैं आपको। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास।